अगर आप सच में बालों को तेजी के साथ लंबा और घना करने की सोच रहे हैं तभी इस वीडियो को देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है रोगानुसार में एक बहुत ही खास और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ है। जी हाँ दोस्तों, अगर बाल लंबे घने मुलायम हो तो आपकी पर्सनालिटी भीड़ में कुछ अलग और आकर्षक दिखाई देती है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपके बाल लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। ऐसे लोगों का सवाल होता है कि बालों का ख्याल कैसे रखा जाए और बालों को घना और लंबा कैसे करें। अक्सर हम अपने बालों को लेकर बहुत ही ज्यादा सतर्क रहते हैं या फिर उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने बालों को लेकर चिंता में रहते हैं। ऐसे में बालों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है। यदि आप एक दिन में अपने बालों को लंबा करने का उपचार खोज रहे हैं तो ये नामुमकिन है। जी हाँ दोस्तों, आपके बाल धीरे धीरे लंबे और घने होंगे, लेकिन अगर आप हमारे द्वारा बताए गए तरीके को आप अपनाते हैं तो 100% गारंटी के साथ आपके बाल लंबे और घने हो जाएंगे, वो भी बहुत ही कम समय में। लेकिन इससे जानने के लिए आपको वीडियो पूरी देखनी होगी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपसे कोई भी खास जानकारी छूटे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इससे हमारा मोटिवेशन अप होता है। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाने के साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिल जाए। इसके लिए ऑल नोटिफिकेशन को जरूर सेलेक्ट करें। नंबर एक, जी हाँ दोस्तों, दही और नींबू दोनों ही बालों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है और ठंड में इसका प्रयोग डैंड्रफ से छुटकारा दिलाने वाला होता है। दही में 2 नींबू निचोड़कर पेस्ट तैयार कर लें। इस पेस्ट को बालों की जड़ों पर हाथ के पोर से लगाएं और 15 मिनट तक मसाज करें। पेस्ट को 1 से 1.5 घंटे तक बालों में लगा रहने दें और इसके बाद हल्के गुनगुने पानी से बालों को धो लें। इससे बालों का रूखापन और डैंड्रफ दूर होते हैं। नंबर दो, दोस्तों, बालों में तेल नहीं लगाने से बालों का बढ़ना रुक जाता है। यदि आप तेल नहीं लगाते हैं तो नारियल का तेल जरूर लगाएं। बालों को लंबा करने के लिए नारियल तेल बहुत ही फायदेमंद होता है। तेल को स्कैल्प पर लगाकर अच्छी तरह से 15 मिनट तक मसाज करें। ऐसा सप्ताह में 2 से 3 बार अवश्य करें। नंबर तीन, आंवला। दोस्तों, आंवले में मौजूद पोषक तत्व बालों की मजबूती और वृद्धि के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। अगर आपको घने काले बाल का शौक है तो आंवला और रीठा का पाउडर लगाएं। आंवले के जूस को सप्ताह में 1 बार बालों में लगाने से बाल तेजी से बढ़ने लगते हैं। आंवला खाना भी त्वचा और बालों के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। नंबर चार, ग्रीन टी। दोस्तों, वैसे तो मार्केट में बहुत सारे हर्बल टी उपयोग में आते हैं, लेकिन आज हम आपके ऐसे चाय के बारे में बात करेंगे जिसे सभी लोग जानते हैं। नाम है इसका ग्रीन टी। जी हाँ दोस्तों, इसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो बालों को टूटने से बचाने और उसको बढ़ाने में आपकी मदद करता है। इसके लिए आप 2 कप गर्म पानी में ग्रीन टी के पैक को 7 से 8 मिनट के लिए डुबो कर रखें। अब इस पानी को गुनगुना होने के बाद अपने बालों में लगाएं और आधे घंटे तक ऐसे छोड़ दें और फिर बालों को ठंडे पानी से धो लें। नंबर पाँच, दोस्तों, प्रदूषण और धूल की वजह से बाल बहुत ही रफ होते हैं। बालों की सही देखभाल के लिए जरूरी है कि नियमित तौर पर इसकी मसाज की जाए। जैतून के तेल से या बादाम के तेल से बालों की मसाज की जा सकती है। ठंड के मौसम में तेल में थोड़ा सा नींबू भी डाल लें और इससे बालों की हफ्ते में 1 बार 15 मिनट तक मसाज करें।